कोतवाली पुलिस ने दो बदमाशों को दो पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों हथियार बेचने की फिराक में थे, इससे पहले ही धरा गए। रिमांड पूरा होने पर दोनों को जेल भेज दिया है। दरअसल ये बदमाश पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़े गए थे। गजरा गियर्स निवासी सलमान पिता सलीम को एरिना अखाड़ा रोड से पकड़ा गया। इसी चौराहे से आगर मालवा निवासी उस्मान पिता जाकिर कुरैशी को भी पकड़ा गया। इनसे पिस्टल बरामद की गई, साथ में दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपी हथियार बेचने की फिराक में घूम रहे थे, इससे पहले दबोच लिए गए। सलमान पिता सलीम कोतवाली क्षेत्र का आदतन बदमाश है, उसके खिलाफ कोतवाली में 7 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और रिमांड पूरा होने पर दोनों को जेल दाखिल कर दिया गया। दो व्यक्ति एरिना रोड पे सलमान और उस्मान गजरा गियर चौराहे पर अवैध हथियार लेकर किसी को बेचने की फिराक में सूचना पर हम लोग गए। अलग अलग दो टीमें बनाई, जिसमें से अखाड़ा रोड से सलमान को पकड़ा, जिसके पास एक पिस्टल और एक राउंड मिला। इसी प्रकार दूसरी टीम ने गजरा गियर चौराहे से एक पिस्टल और एक राउंड उस्मान से जब्त करा, जिन्हें थाने लाए, कोर्ट पेश करा, पुलिस रिमांड दिया। जिनके 18 तारीख तक का आज तक का पुलिस रिमांड था।